नमस्कार फ्रेंड्स, आज सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है उसका नाम है चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल में आप जो हम लोग आगे जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें आएगा टेम्परेरी चेंज, परमानेंट चेंज और मेजर चेंज और माइनर चेंज। और इसी को लेकर हम लोग चेंज कंट्रोल को किस तरह रिकॉर्ड करते हैं वो सारा प्रोसीजर, बाकी इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ चेंज कंट्रोल, कि चेंज कंट्रोल है क्या। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज चेंज कंट्रोल हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल व्हेन अ चेंज इज़ बीइंग मेड इन एनी प्रोसेस और प्रोसीजर। यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चेंज कंट्रोल का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक महत्वपूर्ण रोल है कि कोई भी चेंज अगर हमें करना होता है किसी भी प्रोसीजर में। और इट इज़ रिपोर्टेड बाय द चेंज कंट्रोल प्रोसीजर एंड दैट इज़ अप्रूव्ड बाय द कंपनी अथॉरिटी। इस चेंज कंट्रोल को हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट प्रोसीजर के थ्रू इसको रिपोर्ट करेंगे और फिर अप्रूव कराएंगे कंपनी की अथॉरिटी से। कंपनी अथॉरिटी का मतलब है जो ऑथराइज पर्सन होंगे कंपनी में वो इसको ऑथराइज करेंगे। इसको और बेहतर जान लेते हैं। अ प्रोसेस विच एंश्योर्स दैट चेंजेस टू प्रोसीजर्स, मटेरियल, मेथड्स, इक्विपमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर आर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, अप्रूव्ड, वैलिडेटेड एंड ट्रेसेबल। यानी कि जो भी प्रोसेस है वो एंश्योर करेगा जो चेंज कर रहे हैं हम किसी भी प्रोसीजर में, मटेरियल में, मेथड में या इक्विपमेंट में या किसी सॉफ्टवेयर में, वो क्या प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए और ट्रेसिबल हो। अ फॉर्मल सिस्टम बाय विच क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन्स रिव्यू प्रपोज्ड। यानी कि जो फॉर्मल सिस्टम है ये, यानी चेंज कंट्रोल का, इसका जो क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव होंगे अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन मतलब कि अदर डिपार्टमेंट्स के जहाँ पर इसके चेंज को प्रपोज किया गया है वो लोग इसको किस तरह से देखते हैं। एक्चुअल चेंजेस डेट माइट अफेक्ट, यानी कि जो चेंजेस होने वाले हैं वो किस तरह से अफेक्ट करेंगे वैलिडेटेड स्टेटस को ऑफ फैसिलिटी, सिस्टम, इक्विपमेंट और प्रोसेस। चेंज कंट्रोल इज़ टू बी कंट्रोल द चेंजेस मेड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। चेंज कंट्रोल की अब ज़रूरत क्या है, चेंज कंट्रोल का जरूरी है ये इसलिए है क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है उसमें क्या है, चेंजेस होते हैं। उस चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए, क्यों चेंजेस बार बार ना हो, अपनी मनमर्जी से ना हो, उसको एक डॉक्यूमेंटेड रखने के लिए एक चेंज कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। चेंजेस में भी टेम्परेरी और परमानेंट चेंजेस जो भी होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट कैसे भी हो सकते हैं, तो परमानेंट को चेंज जो रहेगा, परमानेंट चेंज इज़ द प्रोसेस बाय विच चेंजेस आर प्रपोज्ड, इवेल्युएट टू बी सेफ, अप्रूव्ड, शेड्यूल्ड, इम्प्लीमेंटेड एंड डॉक्यूमेंटेड विच नेवर बी रिवर्स्ड। यानी कि जो परमानेंट चेंज होगा वो क्या है, प्रोसेस के थ्रू रहेगा। जो पहले तो हम चेंज को प्रपोज करेंगे, उसको इवेल्युएट किया जाएगा वो कितना सेफ है, उसको फिर अप्रूव्ड कराएंगे, उसका फिर शेड्यूल्ड होगा कि कब हमें करना है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यानी कि कब से लागू हो जाएगा वो, एंड उसका जो डॉक्यूमेंट, उसको फिर हम डॉक्यूमेंटेड करेंगे। और उस जो परमानेंट चेंज रहेगा, यानी कि नाम से ही समझ आ रहा है कि परमानेंट चेंज है, तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब आता है टेम्परेरी चेंज। अ चेंज initiated for the evaluation of proposed procedure, system, process which has been taken with prior approval to achieve the desired output, allowed for one time change and limited to a particular batch। इसका मतलब क्या है, ये भी इसी तरह से एक प्रोसीजर के थ्रू एक क्या चेंज को प्रपोज किया जाएगा एक किसी भी प्रोसीजर, सिस्टम या प्रोसेस के लिए, जो विच हैज़ बीन टेकन विद अ प्रायर अप्रूवल, यानी कि एक परमिशन के थ्रू हमें पहले से इसको क्या अप्रूवल लेना पड़ेगा, टू अचीव द डिज़ायर्ड आउटपुट। यानी कि हम कुछ डिज़ायर्ड आउटपुट, जैसे कोई टेम्परेरी हम लोग कोई बैच वगैरह का बैच साइज हम बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, उसको लेकर होगा। अलाउड फॉर वन टाइम, यानी कि वन टाइम होगा, बार बार या कंटिन्यूशन में नहीं रहेगा ये, और लिमिट टू अ पर्टिकुलर बैच, जैसा कि मैंने बताया भी अभी। टेम्प्रेरी चेंज को हम एक और बात से समझ सकते हैं, टेम्प्रेरी चेंज आर दोज चेंजेस विच विल इवेंचुअली बी रिवर्स्ड टू रिस्टोर टू ओरिजिनल कंडीशन। यानी कि जैसे अब बैच हमारा यहाँ पर 100,000 का बैच था, अभी हमने टेम्प्रेरी फॉर वन टाइम किया है, अगर हम इसको चेंज करते हैं पहले की तरह, जैसे 80,000 का चल रहा था तो हम उसे 80,000 पर लेकर आ जाएंगे, यानी कि ओरिजिनल कंडीशन पर। अब इसमें एग्जाम्पल वही जैसे मैंने बताया, बैच साइज में चेंज किया हमने। अब आते हैं मेजर चेंज पर। मेजर चेंज क्या होता है, चेंजेस प्रपोज फॉर इम्प्रूवमेंट टू प्रोसेस। यानी कि मेजर चेंज क्या रहेगा, किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, मटेरियल्स, प्रोडक्ट एंड प्रोसीजर्स।
यानी किसी मटेरियल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई प्रोसीजर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, विच मे हैव इम्पैक्ट अपॉन द आइडेंटिटी। उसका क्या है, किस पर फ़र्क पड़ेगा, मेनली क्या है, किसकी आइडेंटिटी पर, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी पर, क्वालिटी पर, प्योरिटी पर, स्ट्रेंथ पर, स्टेबिलिटी पर और सेफ्टी पर, एंड एफिकेसी और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जब हम उसकी आइडेंटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी या सेफ्टी, जब इन सब पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो सीधी सी बात है उसकी एफिकेसी पर भी फ़र्क पड़ेगा और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर भी फ़र्क पड़ेगा। इस केस में क्या होता है, हमें नोटिफिकेशन टू एजेंसी रिक्वायर्ड, यानी कि जो हमारी एजेंसी या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है उनको नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है देने की। अब आते हैं माइनर चेंज के, माइनर चेंजेस, चेंजेस विच डज नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, यानी कि इसका क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइक आइडेंटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि हमने मैंने मेजर चेंज में डिस्कस किया कि उसकी क्या है, आइडेंटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, इसी तरह से इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो होता है माइनर चेंज। द चेंज कंट्रोल अप्रूवल और रिजेक्शन प्रोसेस शैल रिक्वायर टू कंप्लीटेड विदिन 30 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द चेंज कंट्रोल। यानी कि जो चेंज कंट्रोल को अप्रूव कराना है या अप्रूवल होता है या उसका रिजेक्शन होता है, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को 30 दिनों के अंदर अंदर यानी 30 वर्किंग डेज में हमें इसको पूरा कर लेना है डेट ऑफ इनिशिएशन, यानी कि इसका जो 30 डेज जो काउंट होंगे डेट ऑफ इनिशिएशन से काउंट होंगे। चेंज कंट्रोल प्रिफरेबली क्लोज्ड विद इन 90 वर्किंग डेज आफ्टर हेड क्यूए अप्रूवल, यानी कि जैसे ही क्यूए से अप्रूव्ड होता है चेंज कंट्रोल, विद इन 90 वर्किंग डेज में क्या है, चेंज कंट्रोल को क्लोज कर देना है हमें। इफ चेंज कंट्रोल इज नॉट क्लोज विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, इनिशिएटर शैल रेज पीरियड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट। अगर किसी भी कारणों की वजह से अगर चेंज कंट्रोल को हम क्लोज नहीं कर पाते स्पेसिफाइड टाइमलाइन में, तो हम क्या करेंगे, पीरियड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट, यानी कि उसका एक्सटेंशन के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट हेड शैल रिव्यू द एक्सटेंशन रिक्वेस्ट, जो इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट के हेड होंगे, यानी कि जिन्होंने चेंज कंट्रोल को प्रपोज किया होगा, वो इसके एक्सटेंशन रिक्वेस्ट डालेंगे और राइट जस्टिफिकेशन फॉर डिले विद इम्पैक्ट असेसमेंट, और वो इसका पूरा जवाब देंगे, जस्टिफिकेशन देंगे कि भाई लेट क्यों हुआ है और इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, वो सब चीज़, जैसे कि इम्पैक्ट असेसमेंट। क्यूए शैल असेस द इम्पैक्ट ऑफ डिले, क्यूए इसको देखेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है और क्यों डिले हुआ है, और एक्शन कंप्लीशन एंड अप्रूव एंड रिजेक्ट द पीरियड एक्सटेंशन रिक्वायर्ड, उसी को देखते हुए क्यूए क्या करेगा, अपने एक्शन को कंप्लीट करते हुए अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा पीरियड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट को। पीरियड एक्सटेंशन शैल बी अलाउड फॉर 2 times ओनली, पीरियड एक्सटेंशन क्या है, सिर्फ 2 बार के लिए अलाउड होगा। आफ्टर दिस न्यू चेंज कंट्रोल शैल बी इनिशिएटेड, इसके बाद क्या है, हमें न्यू चेंज कंट्रोल लेना पड़ेगा या इनिशिएट करना पड़ेगा। बात आते हैं एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ, किस तरह के टाइप ऑफ चेंजेस रहेंगे और एग्जाम्पल उनके साथ के साथ देखते हुए चलते हैं और उसके रिकमेंडेशंस क्या रहेंगे। जैसे कि चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला प्रोसेस न्यू प्रोडक्ट, इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मेजर, क्रिटिकल और मेजर, क्रिटिकल मैंने बोल दिया है, मेजर भी है, ये मेजर चेंज होगा। वैलिडेशन ऑफ द 3 consecutive बैचेस, अगर यानी कि अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला में अगर चेंज कर दिया या कोई प्रोसेस में या न्यू प्रोडक्ट में न्यू प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, हमें फर्स्ट 3 consecutive बैचेस के क्या है वैलिडेशन करना पड़ेगा, उसकी स्टेबिलिटी स्टडी भी करनी पड़ेगी, उसके स्पेसिफिकेशन के मेथड वैलिडेशन करना पड़ेगा, एसटीपी क्लीनिंग वैलिडेशन वेरिफिकेशन इन द फैसिलिटी, यानी कि क्लीनिंग जो हम उसके मतलब प्रोडक्शन से पहले और उसके प्रोडक्शन के बाद उसकी क्लीनिंग की फैसिलिटी को देखना पड़ेगा कि फैसिलिटी क्लीन प्रॉपरली है या नहीं। इन्फॉर्मेशन एंड प्री अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जहाँ ज़रूरत होगी हम लोग क्या करेंगे, प्री अप्रूवल यानी कस्टमर से भी अप्रूवल लेंगे और साथ ही रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट चेंज आता है चेंज इन स्पेसिफिकेशन, ये भी क्या है, मेजर और क्रिटिकल कैटेगरी में रहेगा। स्टेबिलिटी स्टडीज़ ऑन द चेंज स्पेसिफिकेशन, यानी कि हमने स्पेसिफिकेशन में अगर चेंज कर दिया है तो वो स्पेसिफिकेशन कितने स्टेबल हैं उसकी स्टेबिलिटी स्टडी की जानी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आता है चेंज इन टेस्ट मैथड,
अब हमने ये भी मेजर में आएगा यानी एनालिटिक मेथड वैलिडेशन। इसमें क्या है, हमारा प्रोडक्ट तो बन गया, अब हम टेस्ट मेथड में क्या है चेंजेस कर दिया। अब वो टेस्ट मेथड कितने वैलिड हैं, नहीं नए टेस्ट मेथड कितने वैलिड हैं उसके लिए एनालिटिक मेथड वैलिडेशन हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट चेंज आता है चेंज इन SOP फॉर एडिशन और डिलीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर्मेट और लेबल्स। ये मेजर भी हो सकता है, माइनर भी, मेनली माइनर ही रहता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होंगे SOP से उसमें चेंजेस करेंगे, और उसके बाद जब चेंजेस हमारे पूरे हो जाएंगे तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट आता है किसी भी प्रोडक्ट में चेंज इन एक्सपायरी, ये मेजर और क्रिटिकल दोनों होते हैं। इसके लिए क्या किया जाएगा, एक्सपायरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी स्टडी जो रिकमेंडेड रहेगा कि स्टेबिलिटी की हमें स्टडी करनी है। चेंज इन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, जो इसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होंगे उसमें चेंजेस करेंगे। इंटीमेशन टू कंसर्न डिपार्टमेंट, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे उसका इंटीमेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है चेंज और मॉडिफिकेशन इन इक्विपमेंट और न्यू इक्विपमेंट, यानी कि या तो हमने अपना जो इक्विपमेंट है उसको मॉडिफाई कर दिया या न्यू इक्विपमेंट लेकर आए, यह आता है मेजर चेंज। इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। SOP प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसकी रिवाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। उसके बाद में हमें फिर ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, और क्योंकि वो नया इक्विपमेंट है या मॉडिफिकेशन उसके हिसाब से हमें ट्रेन करना पड़ेगा जो भी उसमें यूज़र होगा, जो उसको यूज़ करेगा इक्विपमेंट को, जो हैंडल करेगा। इक्विपमेंट लिस्ट अपडेशन, और अपने इक्विपमेंट लिस्ट को भी अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन इन फैसिलिटी, अगर हमने मॉडिफिकेशन किया या कोई अपग्रेड किया फैसिलिटी को, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिकमेंडेशन रहेंगी। फैसिलिटी क्वालिफिकेशन, हमें जो हमारी फैसिलिटी यानी जो कंपनी है एरिया जहाँ पर साइट है, साइट के अंदर जहाँ वर्किंग चलती है उसको क्वालिफाई कराना पड़ेगा एरिया को, और साइट मास्टर फाइल यानी कि SMF को भी अपडेट करना पड़ेगा। चेंज इन पैक स्टाइल क्या माइनर चेंज है। चेंज इन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो रिकमेंडेशन रहेगी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। BPR इंटीमेशन टू कंसर्न डिपार्टमेंट, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको भी हमें इंटीमेशन करना देनी पड़ेगी। यहाँ देख लेते हैं फ्लो चार्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ चेंज कंट्रोल, यानी कि जो चेंज कंट्रोल है वो किस तरह से हम लोग उसको इनिशिएशन से क्लोज कराएंगे। फर्स्ट आता है इसमें इनिशिएशन ऑफ चेंज एंड रिक्वेस्ट फॉर द चेंज कंट्रोल फॉर्म, ये आएगा इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू। नेक्स्ट इसमें जब इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू जब आएगा इश्यूएंस ऑफ चेंज कंट्रोल रिकॉर्ड फॉर्म एंड नंबर, यानी कि जो क्वालिटी एश्योरेंस के पास जब रिक्वेस्ट आएगी किसी भी चेंज कंट्रोल के लिए तो वो क्या करेगा, एक चेंज कंट्रोल फॉर्म देगा, एक यूनिक नंबर भी उसमें देगा, और उसकी क्वालिटी एश्योरेंस क्या है एंट्री करेगा अपनी लॉग बुक में। फिलिंग ऑफ प्रपोज चेंज डिटेल विद जस्टिफिकेशन, यानी कि इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा उसमें सारी डिटेल्स भरेगा, प्रपोज जो चैनल है वो चेंज करना है उसको लिखेगा, और विद जस्टिफिकेशन पूरे डिटेल्स देगा उसमें कि ये चेंज क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, इससे क्या बेनिफिट है, उसका क्या होगा। इसमें रिस्क असेसमेंट भी रहने वाली है कि क्या रिस्क हो सकता है उस चेंज की वजह से, और ये चेंज करना क्यों इतना ज़रूरी है। अब ये आएगा QA के पास, क्लासीफाई चेंज कंट्रोल। अब QA क्या करेगा, QA हेड होगा जो, या QA होगा डिपार्टमेंट, वो क्या करेगा चेंज को क्लासीफाई करेगा आइदर क्रिटिकल, मेजर और माइनर में, और इवेल्युएशन एंड रिस्क असेसमेंट बाय QA। जैसे कोई देखेगा कि इसके चेंज करने के कितने प्रभाव पड़ेंगे, कितना रिस्क है और कितना बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें QA असेस करेगा। देन फॉरवर्ड टू कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर कमेंट्स, इनिशिएटर और क्वालिटी एश्योरेंस दोनों इसको क्या है फॉरवर्ड करेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट, यहाँ जहाँ जहाँ इसका प्रभाव पड़ने वाला है वो सारे लोगों के कमेंट्स लेंगे एक तरीके से। फिर नेक्स्ट आता है रिव्यू एंड डिस्कशन, उसके बाद आएगा रिव्यू एंड डिस्कशन, यानी कि जब सबके कमेंट्स हो जाएंगे चेंज मतलब प्रपोज तो किया हुआ है उसको देखेंगे किस तरह का चेंज है, इम्पैक्ट असेसमेंट, उसका रिस्क वगैरह सब चीज़ देख लिया है। उसके बाद क्या कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे वो सब क्या करेंगे उसको रिव्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें डिसीजन आएगा अप्रूव करने का और रिजेक्ट करने का, यानी कि चेंज करें या ना करें, ये डिसीजन होगा QA हेड का सबके डिस्कशन के बाद। QA टू अपडेट इन लॉग बुक, QA क्या करेगा ये इसको चेंज को अगर अप्रूव्ड होता है या रिजेक्ट होता है, अप्रूवल और रिजेक्शन जो भी उनका लॉग बुक होगा उसमें वो इसको अपडेट करेंगे।
देन इंटीमेशन टू ऑरिजिनेटिंग डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, अगर अप्रूव्ड होता है तो वो इंटीमेट करेंगे इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट को केस चेंज को वो इम्प्लीमेंट करें। फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन वेरिफिकेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लोज द चेंज कंट्रोल। इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसका पूरी वेरिफिकेशन होगा, देखेंगे किस तरह का चेंज है कैसा नहीं है, सारी चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद जब ये अगर सक्सेसफुल रहता है उसको क्या करेंगे, क्लोज द चेंज कंट्रोल। फिर चेंज कंट्रोल को क्या है, इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट और QA दोनों मिलकर इसको क्लोज कर देंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप आज जो टॉपिक था उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के आपको और भी टॉपिक्स पर मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो धन्यवाद।